Assalamualaikum my beautiful peoples, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रिमशा और आप सब लोग को वेलकम है रिमशाज़ ब्लॉग में। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं हूँ दुबई एयरपोर्ट पे और मैं कुछ महीने पहले तुर्की गई थी, तो मैंने वहाँ पे ये व्लॉग्स बनाए थे, तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है इन व्लॉग्स को अपलोड करने का। आ रहे हैं हम एरोप्लेन के अंदर और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। एक्चुअली सबकी ड्रीम कंट्री है यार तुर्की, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हमारी फ़्लाइट सुबह 10 बजे की थी और हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे, और बच्चों को जाहिर है सुबह जल्दी उठाना पड़ता है, तो आपको पता है बच्चे कितने रूड हो जाते हैं सुबह सुबह। तो हमारी फ़्लाइट एमिरेट्स से थी, और बस जैसे ही हम एरोप्लेन में बैठे हैं, बच्चों ने कुछ खाया पिया और बस ये लोग सो गए थे। तो जब पहुंचने वाले थे तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया। बच्चों के साथ साथ ही हम भी 1 आवर सो गए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम लोग जब पहुंचेंगे तो हम लोग को ज़ाहिर है चलना पड़ेगा, तो थक जाएंगे क्योंकि सुबह से हम लोग भी उठे हुए थे, तो हम लोग भी 1 आवर के लिए सो गए थे। तो बस हम लोग उठे ही बच्चों की आवाज़ों से, क्योंकि जब ये लोग उठ गए थे और तंग करना शुरू हो गए थे, लेकिन शुक्र है ज़्यादा तंग नहीं किया। पहुँचने ही वाले थे हम लोग, और जब ही ये नज़र आ गया था ऊपर से ये खूबसूरत नज़ारा तुर्की का, तो दिल खुश हो गया था हम लोगों का देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। सोचा कि मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ एरोप्लेन से ही, और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। एरोप्लेन से इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये सारा व्यू, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट। तो एरोप्लेन हमारा लैंड होने वाला है, और बच्चे इस टाइम इतना टायर्ड हो गए थे, 4 घंटे की ये फ़्लाइट होती है दुबई से, तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे, क्योंकि बुराक भी छोटा था। और बस शुक्र है कि लैंड हो गए हैं। तो दिस इज़ इस्तांबुल एयरपोर्ट, और ये इतना खूबसूरत इतना हसीन एयरपोर्ट है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे ही हम अपने एयरप्लेन से आकर यहाँ पर आए, हम लोग जा रहे हैं अपनी इमिग्रेशन करने के लिए, तो इतना हसीन ये एयरपोर्ट है, लेकिन एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, और बुराक के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है हमको। ये आप देख रहे हैं कि बुराक कितना इरिटेट कर रहा था, और ऊपर से इमिग्रेशन लाइन भी बहुत ज़्यादा बिजी थे और बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। इमिग्रेशन से हम फ्री होकर बस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। बहुत टाइम लगा इमिग्रेशन में, क्योंकि लाइंस बहुत ज़्यादा बिजी थे। और ये आप देखें तुर्की की स्ट्रीट्स, बहुत खूबसूरत मस्जिद वगैरह यहाँ पे दिख रही थी। सारी मस्जिद एक जैसी हैं, लाइट ब्लू मॉस्क के जैसे ही सारी मस्जिदें बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत मस्जिद हैं सारी। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल डबल ट्री बाय हिल्टन। शुक्र है रिसेप्शन पे ज़्यादा रश नहीं था, 5 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा जो बुकिंग थी वो चेक हो गई थी। और आगे यहाँ पर अहमद जो हैं, जो वहाँ पे मैनेजर होते हैं ना, अहमद और बुराक ने उनको इतना तंग किया कि वो ही मेरे बच्चों का ख्याल रख रहे थे, उनको ले लेके घूम रहे थे। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए। तो जिस रोड पे अभी हम हैं उसको कहते हैं बलत, और यहाँ से होकर हम सबसे पहली मस्जिद पे जा रहे हैं, जो यहाँ पे इस्तांबुल में सबसे पहली मस्जिद बनी थी उधर। इस्तांबुल की सबसे पहली मस्जिद है जो बनाई है फातेह सुल्तान मोहम्मद खान ने। इसको 2 साल लगे थे इस मस्जिद को बनने के लिए। तो फतह के बाद सबसे पहली मस्जिद सुल्तान फैमिली ने यहाँ पे बनाई थी। और मैं आपको बताती चलूं कि इस मस्जिद की जगह पे सबसे पहले यहाँ पे चर्च था, जो कि रोमन एम्पायर ने बनाया था। तो जैसे ही फतह हुई थी तो सुल्तान फैमिली ने यहाँ पे मस्जिद बनवा दी थी। फतह हुआ और सुल्तान फातेह सुल्तान के ज़माने के जो समझ लें आप इंजीनियर थे, उनका नाम था अतिक सनार नाम था उनका, और उन्होंने 2 साल के अरसे में ये मस्जिद को मुकम्मल कर लिया था। तो जब सबसे पहले फातेह सुल्तान ये मस्जिद देखने के लिए आए इस मस्जिद को, तो उन्होंने एतराज़ किया कि ये मस्जिद छोटी है हैं, इसके मीनार छोटे हैं। इस वजह से आतिक सनार का उन्होंने एक हाथ काट दिया था फातेह सुल्तान ने। तो ये बहुत एक लंबी स्टोरी है, यहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने हमें ये बताया था, मुझे अभी भी याद है। तो उसके बाद मस्जिद को देखने के बाद ये आ गए थे हम यहाँ का एक सबसे पुराना ये चर्च है।
तो हम आए हैं मिसर बाज़ार में, और मिसर बाज़ार जो है वो एमी नोनू में है, मतलब एमी नोनू एक जगह का नाम है। तो ये मिसर बाज़ार वहाँ पे है, मिसर बाज़ार के बिल्कुल सामने ही ग्रैंड बाज़ार है। तो यहाँ पे आपको मसाले, मतलब जो मसाले आप मतलब नहीं देखे होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। पता नहीं कौन कौन से मसाले थे, यहाँ की फेमस चीज़ें यहाँ पे हैं अवेलेबल। और यहाँ पे जो है मिसर बाज़ार और ग्रैंड बाज़ार एक ही जैसे बने हुए हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक जैसी ही चीज़ें हैं। तो ग्रैंड बाज़ार में बहुत ज़्यादा मतलब आपको स्पाइसेस हो गए और हर्ब्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, मतलब ये इस कदर इतनी तादाद में है, उस तरह के मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे दिखे हैं और स्पाइसेस वगैरह। तो मैं उनसे पूछी जा रही थी और वो मुझे बताते जा रहे थे। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये बाज़ार है, और यहाँ से मतलब बाहर निकलो तो आपको ये सब मिलता है, आपको कपड़े वगैरह, स्कार्फ वगैरह हो गए, ये आपको मिल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो आ गए हैं जी तुर्की की फेमस तुर्की आइसक्रीम खाने के लिए। और तो बात हो आइसक्रीम की, तो मैं आपको बताते चलूँ कि यह इस आइसक्रीम्स का टेस्ट बहुत डिफरेंट है, और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हम नॉर्मली खाते हैं उस तरह का नहीं है। इन लोग का टेस्ट अपना ही है एक अलग सा, और अच्छी थी, मज़े की थी। हम जा रहे हैं जी ताक्सिम स्क्वायर, और ताक्सिम स्क्वायर पे आपको एक पॉइंट पे पहले ही उतर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कार्स अलाउ नहीं होती हैं, इवन टैक्सी वगैरह भी अलाउ नहीं करते। जो इस एरिया में रहते हैं बस उनको ही अलाउ किया जाता है। तो यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है ताक्सिम स्क्वायर तक, और फूड स्ट्रीट भी यहाँ अंदर है, आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताती चलूँ कि फूड स्ट्रीट के साथ साथ ही आपको अगर शॉपिंग करनी हो तो हर ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है, आपको आप शॉपिंग भी यहाँ से कर सकते हैं इजीली। लेकिन थोड़ा सा मसला ये होता है कि बस इनको जो इंग्लिश होता है ना वो हमारा समझ नहीं आती है इन्हें। मैं आपको बताती चलूँ कि हमने अपनी कन्वेंस खुद से की थी, हमने टूरिस्ट बसेस नहीं की थी, ना ही हमने मेट्रो में किया जाना प्रेफर किया, हम लोगों ने खुद अपनी कन्वेंस की थी, क्योंकि हम मेट्रो में या फिर टूरिस्ट बसेस में हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे। हाँ, बहुत ज़्यादा हमको एक्सपेंस पड़ा है इस अपनी खुद से कन्वेंस करने का, लेकिन कंफर्ट जहाँ हो इंसान वही काम करे। की कंट्री जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद आई क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल कंट्री है, यहाँ पे मतलब किसी ना किसी चीज़ के साथ कोई ना कोई एक हिस्ट्री है। तो आज के दिन मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया फातह मॉस के बारे में, और मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी जो मैं व्लॉग्स डालूंगी उसमें भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी तुर्की के बारे में। तो जल्दी से आप सब मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोग का जब सपोर्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। कीप ऑन सब्सक्राइब, कीप ऑन लाइक माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं ना किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।